संसाधनों की कमी है, कार्यबल की कमी है और अस्पतालों पर जो गांव भार गांव है, गांव से आए लोग क्या जाने सर, जो आप बता रहे हैं कानून के बारे में वो कहाँ जानते हैं ये सब, कहाँ शिकायत करनी, कहाँ कुछ करना है, डॉक्टरों ने अगर बदतमीजी की है, कुछ भी किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ गौरशंकर आपका भी और रंजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पूरे देश में हालात बन रहे हैं, डॉक्टर सभी हड़ताल पर चले गए हैं, मरीज बेसहारा तड़प रहे हैं इलाज के लिए, और लेकिन यहां पर डॉक्टरों का मन नहीं पसीज रहा है। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भी बने हुए हैं, जहां जुड़ा हड़ताल पर है, वही अन्य डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। सभी अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठप पड़ गई हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि डॉक्टरों का दिल पसीज नहीं रहा है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, उनका कहना है तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे, फिर चाहे वो मरीज अपनी जान क्यों ना गंवाते रहें। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।